हेलो दोस्तों, अपन ने जो पहले पढ़ा था जिसमें बाईसाइक्लो पढ़ा था, बाईसाइक्लो की परिभाषा में देखना, यहां पर लिखा था तथा दो उभयनिष्ठ परमाणु उपस्थित हो, तथा कम से कम दो उभयनिष्ठ परमाणु उपस्थित हो। तो ये और जोड़ लेना, क्योंकि ये जो भी संरचना देखो, देखो इसमें दो उभयनिष्ठ परमाणु है, इसमें देखो चार दो उभयनिष्ठ, चार उभयनिष्ठ परमाणु है, एक दो तीन चार, इसमें तीन है, एक दो तीन, तो कम से कम दो तो होनी चाहिए बाईसाइक्लो यौगिकों के लिए। ठीक है, अब एक नाम और था अपने पास में कि जितने भी अपने पास में द्वितीयक द्वितीयक पूर्व लग्न जो है उनको अपन जूनियर क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। जूनियर क्रियात्मक समूह, ठीक है, जूनियर क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें और जोड़ देना उसमें, पीछे वाले लेक्चर में जल्दीबाजी में छूट गई थी। अब अपन आज नया टॉपिक लेते हैं, संतृप्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। अब संतृप्त यौगिक क्या होते हैं वो अपन ने पढ़ा था, जिन वे यौगिक जिनमें सिर्फ एकलबंध उपस्थित हो। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है, पहले नियम लिख लेते हैं। पहला नियम है श्रृंखला का चयन, श्रृंखला का चयन। अब श्रृंखला का चयन किस प्रकार से करना चाहिए जिसका फिर नामकरण किया जा सके, तो देखो इसमें भी कुछ कुछ दो तीन नियम है वो जो पहले लिख लेते हैं। तो श्रृंखला, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, यानी उसमें अधिकतम कार्बन होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में है पांच कार्बन और ये, अब इधर से मैं इधर जाता हूं, इस श्रृंखला का चयन करता हूं, तो इसमें कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, लेकिन इस श्रृंखला का चयन करता हूं मैं इधर, तो इसमें कितने हैं, छह कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छह, इधर जाता हूं एक दो तीन चार पांच, और इस श्रृंखला में कितने हैं, एक दो तीन चार, इसमें कितने हैं, चार। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो ये गलत और ये अपनी छह वाली सही हो गई। दूसरी एग्जाम्पल लें अपन, ये है ना, ये कार्बन ही कार्बन लिख रहा हूं मैं, और इनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो अपन ने बंध रेखा सूत्र में देखा था कि कार्बन जब ऐसा डिनोट हो तो हाइड्रोजन अपने आप माना जाते हैं, तो जितनी भी कार्बन की संयोजकता है वो कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। अब देखो यहां से मैं इस श्रृंखला का चयन करूं तो इसमें कितने हैं, पांच कार्बन है, मैं इस श्रृंखला का चयन करूं इसका, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, इसमें सात कार्बन है, मैं इस श्रृंखला का चयन करूं इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छह, इसमें छह है, और ऐसे ही इस श्रृंखला का चयन करूं तो इसमें कितने, एक दो तीन चार पांच छह, तो देखो सबसे सर्वाधिक कार्बन कौन सी में है, सात वाली में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये सही हो गया। तो सबसे पहला रूल तो यही है श्रृंखला का चयन करने में कि वो सबसे लंबी श्रृंखला चयन करनी है जिसमें अधिकतम कार्बन उपस्थित हो। ठीक है, अब मान लो ऐसा हो जाए अपने पास में कि ऐसे यौगिक, कोई ऐसे यौगिक हो जिनमें अधिकतम मतलब अधिकतम कार्बन की दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं अपने को मिल जाए, दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं अपने को मिल जाए, तो फिर श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, जब दो या दो से अधिक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें जिसमें अधिक या सर्वाधिक शाखा या प्रतिस्थापी समूह है उपस्थित।
अब प्रतिस्थापी समूह कौन से हैं? जो अपन ने द्वितीयक पूर्व लग्न लिखे थे वो प्रतिस्थापी समूह है। शाखा कौन है? जैसे मान लो एक श्रृंखला दी है उससे कार्बन की दूसरी शाखाएं निकली हुई हो, जैसे ये वाली चैन थी, इस श्रृंखला थी, इस श्रृंखला से ये जो है ये इनको शाखाएं बोलते हैं जो साइड में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो अपने पास दो या दो से अधिक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है समान, है ना, अधिक, तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। जैसे इसका उदाहरण ले, ठीक है, और ये ठीक है। अब एक श्रृंखला तो ये है, कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पांच छह, इसमें छह कार्बन है। एक श्रृंखला ये है, एक दो तीन चार पांच छह, इसमें भी छह कार्बन है। तो देखो लंबी श्रृंखला अपने को कितनी मिली, वैसे श्रृंखला एक ये भी है तो इसमें कितने कार्बन है? पांच ही है। एक ये भी है, इसमें भी पांच ही है। तो देखो लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला दो मिल गई अपने को छह छह कार्बन की। अब दो दो श्रृंखला मिल गई तो ये तो कंफ्यूजन वाली कंडीशन होगी, तो इसका श्रृंखला का चयन कैसे करें कि इस श्रृंखला को लें या इसको लें? तो देखो अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं ऊपर वाली श्रृंखला लेता हूं, ये वाली श्रृंखला लेता हूं, इस वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह है ये एक, ये प्रतिस्थापी समूह है ऊपर वाली श्रृंखला में। लेकिन अगर मैं ये वाली श्रृंखला लेता हूं तो ये एक तो प्रतिस्थापी समूह की तरह ये भी है उभरेगा, ठीक है, और एक प्रतिस्थापी समूह की तरह ये कार्बन भी है उभरेगा। तो ऊपर वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह कितना है? एक, और इस वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह कितने हैं? दो। तो सर्वाधिक प्रतिस्थापी समूह कौन से में? इस वाली श्रृंखला में, तो ये गलत हो गया और ये श्रृंखला हो जाएगी। तो अपन नामकरण करेंगे तो इस श्रृंखला को कंसिडर करते हुए नामकरण करेंगे, ठीक है। अब मान लो अपने पास में ऐसा ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक आ जाता है जिसमें दो या दो से अधिक श्रृंखला ऐसी मिल जाती है, दो या दो से अधिक श्रृंखला ऐसी मिल जाती है जिसमें सर्वाधिक यानी समान प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, समान प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, यानी उस श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला है उनमें कार्बन की संख्या भी समान है, प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे यानी उस श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? तो उस श्रृंखला का चयन करने के लिए अपन क्या करते हैं, तीसरा नियम लिख देता हूं, जब प्रतिस्थापी शाखा की संख्या भी समान हो तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं, जिसमें प्रतिस्थापी या शाखा को न्यूनतम स्थिति मिले, न्यूनतम स्थिति प्राप्त हो। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है देखो समझते हैं अपन। एग्जाम्पल है अपना, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है अपने पास में ब्रोमीन और इससे क्लोरीन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस शाखा का चयन करूं तो इसमें कार्बन कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन। एक शाखा ये है अपने पास में, इस शाखा का चयन करूं, एक दो तीन चार पांच छह, इसमें भी कितने कार्बन है? छह कार्बन। अब कार्बन की संख्या समान हो जाती है, दूसरा नियम क्या है, प्रतिस्थापी समूह की संख्या देखते हैं। अगर मैं इस श्रृंखला का चयन करता हूं ऊपर वाली का, ऊपर वाली श्रृंखला का चयन करता हूं तो प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ये हो जाएगा और एक प्रतिस्थापी समूह ये हो जाएगा, तो इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने हो गए? दो हो गए। अब इस श्रृंखला का चयन करें, इस श्रृंखला का चयन करें तो इसकी प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इसमें भी प्रतिस्थापी समूह कितने हो गए? दो हो गए। तो अब देखो दोनों नियम फेल हो गए। तो अब ये तीसरा नियम तभी तो लिखा है, तभी लिखा है तो प्रतिस्थापी समूह है, यानी जब प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान हो जाए तो अपन किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार श्रृंखला का चयन करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम स्थिति प्राप्त हो, ठीक है। जैसे अब इसका नामकरण करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छ, इधर से करें तो इसका एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है। इस वाले में प्रतिस्थापी समूह है, इस वाले में प्रतिस्थापी समूह एक नंबर पे है और इस वाले में प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर पे है? दो नंबर पे है। तो
किसको अपन किस श्रृंखला को चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम स्थिति मिले, यानी न्यूनतम तो एक होगा या दो होगा, एक ही होगा, तो इस श्रृंखला का चयन करेंगे और इसका नहीं करेंगे, तो अपना ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब देखो अगला नियम ये आता है कि मान लो प्रतिस्थापित समूहों की स्थिति भी समान हो जाए, क्या हो जाए, प्रतिस्थापित समूहों की स्थिति भी समान हो जाए तो श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, जब प्रतिस्थापी समूह या शाखा की स्थिति भी समान हो जाए तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे करेंगे उस श्रृंखला का चयन अल्फाबेटिकल या ऐसे लिख लो, उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल या ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो इसको, उस श्रृंखला का चयन ऐसे लिखो, श्रृंखला का चयन अल्फाबेटिकल क्रम में करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है ये समझना आप लोग अच्छे से। देखो इसका उदाहरण ले लेता हूं मैं, एक कार्बन 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 और ये छह कार्बन हो गए, चौथे पे जुड़ा हुआ ये लो, यहां पर जुड़ा हुआ है बीआर और यहां पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, अब श्रृंखला का चयन करो, सबसे पहले तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करो, कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने, एक दो तीन चार पांच छह, ये लो छह, एक लंबी श्रृंखला ये है, ये लो एक दो तीन चार पांच छह, इसमें भी छह। ठीक, अब कार्बन की लंबी श्रृंखला देखने के बाद में क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह की संख्या, तो प्रतिस्थापी समूह की संख्या की बात करेंगे तो इस वाले में ऊपर वाली श्रृंखला में देखना, ऊपर वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह कौन कौन है, एक तो ये और एक ये, दो प्रतिस्थापी समूह हो गए, ये लो दो प्रतिस्थापी समूह हो गए। उसके बाद में नीचे वाली श्रृंखला में, इस वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह की संख्या देखेंगे तो एक प्रतिस्थापी तो ये हो गया, ठीक है, और एक प्रतिस्थापी ये क्लोरीन हो गया, तो इसमें भी प्रतिस्थापी समूह की संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह की संख्या समान हो गई तो फिर क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति, स्थिति देखेंगे तो इसमें नंबरिंग कर देता हूं मैं, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार पांच छह। अब देखो इसमें प्रतिस्थापी समूह है, दो नंबर पे है और एक तीन नंबर पे, यानी दो और तीन पे, इसमें प्रतिस्थापी, इसकी नंबरिंग करें तो एक दो तीन चार पांच छह, इसमें भी प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर, दो और तीन पर, तो प्रतिस्थापी समूह की स्थिति भी समान होगी। तो चौथा नियम क्या लिखा है अपने, जब प्रतिस्थापी समूह की स्थिति भी समान हो जाए तो अल्फाबेटिकल क्रम में अपन क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। तो यहां देखो दो नंबर पे यहां क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरो, इसको क्लोरो, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। तो क्लोरी बी एंड सी में से पहले कौन आता है, बी आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा, तो अपनी श्रृंखला कौन सी चयन हो जाएगी, ये वाली श्रृंखला चयन हो जाएगी। तो इस श्रृंखला का नाम लिखेंगे अब अपन। तो देखो मुद्दे की बात यह है कि इसमें जिस क्रम में मैंने ये नियम लिखाए हैं उसी क्रम में ये नियम याद होने चाहिए। तो पहला नियम था अपना कि सर्वाधिक सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, उसके बाद में सर्वाधिक प्रतिस्थापी समूह की संख्या देखनी है, उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखनी है, फिर उसके बाद में देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैं बना देता हूं, सर्वाधिक कार्बन की श्रृंखला पहला तो ये देखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर उसके बाद में देखनी है प्रतिस्थापी समूह की, प्रतिस्थापी समूह की संख्या, ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर उसके बाद में देखनी है प्रतिस्थापी समूह है, समूह की स्थिति, ठीक है, और ये भी बराबर हो जाए
फिर देखना है अल्फाबेटिकल क्रम, अल्फाबेटिकल क्रम, ठीक है। तो ये आपका मास्टर रूल हो गया, मास्टर क्रम हो गया। इसी क्रम में अपने को श्रृंखला का चयन करना है। कैसे? सबसे पहले सर्वाधिक कार्बन की श्रृंखला देखनी है, फिर प्रतिस्थापी समूह की संख्या देखनी है, फिर प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखनी है, और न्यूनतम स्थिति पे आनी चाहिए, ये न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर स्थिति भी समान हो जाए तो अल्फाबेटिकल क्रम अपन देखेंगे। तो ये तो था अपने पास में श्रृंखला का चयन करने का नियम। श्रृंखला कैसे चयन करें, किस श्रृंखला का नाम लिखना है। देखो, अपन ने श्रृंखला का चयन कर लिया था, तो अब दूसरा नियम है अपना श्रृंखला का अंकन। अंकन अंकन मतलब नंबरिंग, ठीक है। इसमें भी एक नियम, दो नियम है, अपन पढ़ लेते हैं उसको। देखो, श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है। श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूह है, प्रथम प्रतिस्थापी समूह है, प्रथम प्रतिस्थापी समूह है को न्यूनतम स्थिति प्राप्त हो यदि प्रथम स्थिति समान है तो दूसरे की तुलना करेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अभी देखो एक एग्जांपल समझेंगे। श्रृंखला का अंकन अपन करेंगे किसके, प्रतिस्थापी समूह की न्यूनतम स्थिति, यानी प्रथम ग्रुप को न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अपने पास में एग्जाम्पल है एक दो क्लोरीन, छह कार्बन है, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है अपने पास में ब्रोमीन और यहां लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। अब देखो, मैं इस श्रृंखला श्रृंखला एक ही अपने पास में छह कार्बन की, अब इसका नंबरिंग अंकन में किस तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं इधर से इसका अंकन करूं या इधर से। तो मैं इसका अंकन इधर से करूं, एक दो तीन चार पांच छह, एक अंकन इधर से कर सकता हूं, एक दो तीन चार पांच छह, इधर से कर दिया और इधर से कर दिया, ठीक है। अब देखो, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, छह है। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखें इधर, तो इधर से देखें, इधर से तो एक तो है एक नंबर पे और एक है पांच नंबर पे। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, छह है, और इसमें प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखें तो एक है दो नंबर पे और एक है छह नंबर पे, ठीक है। तो अब देखो, कार्बन की संख्या समान है, प्रतिस्थापी समूह की, समूह को क्या मिलनी चाहिए, न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए। तो दो को दो दो ज्यादा है, दो न्यूनतम है या एक न्यूनतम है, एक वाली स्थिति न्यूनतम है, तो ये अपना गलत हो गया और ये श्रृंखला की नंबरिंग सही हो गई, यानी ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। तो अपन यहां से इसका नंबरिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है अपन, यहां पर जोड़ देता हूँ, यहां पर ब्रोमीन। अब देखो, इसकी नंबरिंग करें, एक नंबरिंग इधर से एक दो तीन चार पांच छह, एक नंबरिंग इधर से एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। अब इसमें कार्बन की संख्या तो समान है, इसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या की स्थिति कैसी है, एक तो है चार नंबर पे, एक है पांच नंबर पे, ये लो। और इसमें कितने नंबर पे, एक है दो नंबर पे और एक है तीन नंबर पे, ठीक है। क्लोरीन तो दो नंबर पे है इस वाली में, और इस वाली में क्लोरीन कितने नंबर पे, पांच नंबर पे। तो न्यूनतम स्थिति कौन सी होगी, दो की चार, दो वाली, तो ये गलत हो गया, यानी इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, यानी इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो पांच यहां पर जुड़ा हुआ है अपने पास, ठीक है। अब देखो, कार्बन की संख्या तो समान है, मैं एक बार नंबरिंग इधर से कर दूं, एक दो, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। और एक बार नंबरिंग इधर से कर दूं, तो ये हो गया एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है।
तो यहां देखना अच्छे से, इसमें प्रतिस्थापित समूहों की स्थिति कहां कहां है, इस वाले नंबरिंग में, इस वाले में दो नंबर पे दो क्लोरीन, तो दो दो, और एक पांच नंबर पे ब्रोमीन, ठीक है। इस वाली में, इस वाली में स्थिति देखें, इस वाली में इधर से है, तो एक तो दो नंबर पे ब्रोमीन ये लो, और एक पांच नंबर पे दो क्लोरीन, पांच पांच ये लो। अब देखना पहले वाले प्रतिस्थापित समूह की स्थिति, इसमें दो नंबर पे है, इसमें भी दो नंबर पे है, चलो अच्छी बात है। पहले वाले प्रतिस्थापी की स्थिति दोनों में समान आ गई, तो अब दूसरे वाले प्रतिस्थापी की देखेंगे, दूसरे वाले में इसमें दो नंबर पे है, इसमें तीन नंबर, पांच नंबर पे है, तो दोनों में से न्यूनतम कौन है, दो है कि पांच है, दो नंबर न्यूनतम है, तो दो नंबर वाला न्यूनतम है, यानी ये रिजेक्ट हो गई और ये अपनी नंबरिंग सही हो जाएगी, यानी इस कार्बन को एक नंबर, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच, इस नंबरिंग देते हुए अपन इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला भी नियम है अपने पास में, अगला नियम है अपने पास में दूसरा, यदि प्रतिस्थापी समूह है की स्थिति समान प्राप्त होती है समान प्राप्त होती है तो अल्फा बेटिकल क्रम में न्यूनतम स्थिति देंगे। इसका मतलब क्या है, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल है अपना, यहां अपने दो नंबर पे क्लोरीन जोड़ देते हैं और इधर भी ब्रोमीन जोड़ देते हैं, इसका नंबरिंग करें अपन, एक दो तीन चार पांच छ, एक नंबरिंग इधर से करें, तो एक दो तीन चार पांच छ। अब देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दो नंबर पे ब्रोमीन और पांच नंबर पे क्लोरीन, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दो नंबर पे क्लोरीन और पांच नंबर पे ब्रोमीन। अब ये देखो ये इनकी स्थिति का समूह समान प्राप्त हो गया, अपने को समान प्राप्त हो गया तो न्यूनतम स्थिति उसको देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। इसमें देखो यहां दो नंबर पे सेम, पांच नंबर सेम, तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अपन, तो अपन क्या करेंगे कि जिस अल्फाबेटिकल क्रम में जो पहले आएगा उसको न्यूनतम स्थिति देंगे। तो यहां पर दो नंबर पे कौन है, ब्रोमीन, तो यहां पर दो नंबर पे है Br, और यहां पर दो नंबर पे कौन है, Cl, तो ब्रोमो और क्लोरो, B और C में से पहले कौन आएगा, B, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा इसका और ये जाएगा। तो अपन नंबरिंग करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें अपन, अगला एग्जांपल है अपना, ये लो, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं अपन, एक दो तीन, इधर से नंबरिंग करें, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखें, इसमें तो दो तीन चार पांच पे, इधर से देखें तो दो तीन चार पांच पे, ठीक है, समान है। तो अब देखते हैं इधर ऊपर वाले में, पहले दो नंबर पे यहां कौन है, फ्लोरीन, यहां पर दो नंबर पे कौन है, क्लोरीन, तो देखो फ्लोरो और यहां पर क्लोरो, ठीक है। तो अब इन दोनों में से देखो एफ और सी में से पहले कौन आएगा, सॉरी यहां देखना पड़ेगा अपने को अल्फाबेटिकल क्रम का, है ना, तो पहले अल्फाबेटिकल क्रम में देखें फ्लोरो, और यहां पर कौन है तीन नंबर पे, ब्रोमो, यहां पर कौन है, आयडो, और यहां पे कौन है, क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां आयडो, और यहां पर ब्रोमो, और यहां पर फ्लोरीन। तो यहां पर इस पूरे चारों में, चारों में यहां लिख दू मैं ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो और आयडो, इन चारों में अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आएगा, बी सी एफ में से कौन आएगा, सबसे पहले बी आएगा। अब इस ब्रोमो को न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए, ये ध्यान से क्लियर कर लेना, यहां इस मिला के इन दोनों को मिला के दो दो नंबर पे मिला के ये डिसाइड मत कर लेना क्लोरो फ्लोरो में से कौन सा पहले आएगा,
यहाँ देखना इन चारों चारों समूहों को लिखना, चारों समूहों में से अल्फाबेटिकल क्रम में पहले कौन सा आएगा। अब देखो बी सी एफ आई में पहले कौन आएगा, ब्रोमो। तो अब अपने को यहां से कंक्लूजन निकालना है कि इनमें से ब्रोमो को न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए। तो ब्रोमो यहां पर कितने पे जुड़ा हुआ है, तीन पर। यहां पर ब्रोमो कितने पे जुड़ा हुआ है, चार पे। तो ब्रोमो में तीन या चार में से कौन सी न्यूनतम स्थिति है, तीन वाली। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला इसका सही हो गया। तो अपन इस श्रृंखला के हिसाब से इसका नामकरण या नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था संतृप्त यौगिकों का नामकरण करने के कुछ नियम। अब अपन करते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल है अपने पास में CH4। तो देखो CH4, अब इसमें तो एक ही कार्बन है, ये लो एक ही कार्बन है, कार्बन का नाम नंबरिंग दे दिया अपन ने एक। अब सबसे पहले मूल शब्द, मूल शब्द लिखेंगे तो एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा, मैथ, ये लो मैथ। प्लस प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिकबंध। इसमें सारे कार्बन एक कार्बन, इसमें तो सारा एकल ही है, तो एन। फिर द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में क्या कौन होगा, सीनियर, सीनियर क्रियात्मक समूह है, वो तो है ही नहीं, जीरो। प्राथमिक अनु पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न वो होते हैं जिनमें वलय उपस्थित हो गया, इसमें वलय उपस्थित है नहीं, जीरो। द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न वो होते हैं कौन से, जूनियर क्रियात्मक समूह है, वो भी नहीं है, जीरो। तो इसका नामकरण क्या हो गया, मैथेन, ठीक है। वो एक नियम लिखवाया था आईयूपीएसी नामकरण से पहले, उस नियम से चारों सारी चीजें अपन डिनोट करते हुए जा रहे हैं, उसी नामकरण कर लिख रहे हैं अपन। अगला एग्जाम्पल देखो अपना, अगला एग्जाम्पल है अपने पास में CH3। तो श्रृंखला का पहले चयन करो, तो श्रृंखला हो गई अपनी ये, फिर नाम नंबरिंग करो, अंकन करो एक दो। अब देखो वो फॉर्मूला लगाओ, दो कार्बन की श्रृंखला है तो दो के लिए क्या आएगा, एथ। प्लस प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न दो कार्बन के लिए क्या, सॉरी मूल शब्द तो हो गया एन, और इनमें सब में क्या है, प्राथमिक अनुलग्न एकल एकल बंध है, तो एकल एकल बंध के लिए क्या आएगा, एन। प्लस क्रियात्मक समूह है नहीं, सीनियर, जीरो। प्लस इधर लगा दे प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न वलय, वलय है नहीं, जीरो। और प्रतिस्थापी समूह भी है नहीं, तो इसका नामकरण क्या हो गया, एथेन। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल है, एक अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले तो श्रृंखला का चयन करो, तो ये श्रृंखला का चयन कर लिया, ये वाली श्रृंखला ले लिया अपने। फिर नंबरिंग करो, इस पे प्रतिस्थापी समूह है नहीं तो नंबरिंग की दर्शी कर दो, ऊपर वाले में प्रतिस्थापी समूह था नहीं तो नंबरिंग की दर्शी कर दो। तो तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे, मूल शब्द प्रोप। फिर प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न सारे एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो एन। पर क्रियात्मक समूह जीरो। प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व वलय है नहीं, जीरो। द्वितीयक पूर्व लग्न, प्रतिस्थापी समूह है नहीं, जीरो। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। इस प्रकार से इनका नामकरण अपन करते हैं, और एग्जांपल करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। और नामकरण लें अपन, एग्जांपल है अपने पास में CH3 CH2 CH2 CH3। तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन करो, ये लो श्रृंखला का चयन कर लिया। नंबरिंग करो, नंबरिंग किया एक दो तीन चार, नंबरिंग की दशा भी कर दो, प्रतिस्थापी समूह नहीं है, ठीक है। अब देखो मूल शब्द चार कार्बन के लिए ब्यूट, ये लो। प्राथमिक अनुलग्न सब में एकल एकल बंध है तो ये लो एन। क्रियात्मक समूह है नहीं। प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न वलय है नहीं, जीरो। द्वितीय पूर्व लग्न जूनियर क्रियात्मक समूह उपस्थित है या प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो जीरो। तो इसका नामकरण क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। अगला लिखे CH3 CH, ये लो। अब देखो, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे श्रृंखला का चयन करना भी कठिन होता जाएगा। अब इसमें श्रृंखला का चयन करते हैं अपन, तो एक श्रृंखला तो ये रही अपनी एक दो तीन, एक श्रृंखला ये रही अपनी एक दो तीन, एक श्रृंखला ये रही अपनी एक दो तीन। तीन तीन कार्बन की तीन श्रृंखला है, तो अब तीनों में से कौन सी को चूज करना है। अब प्रतिस्थापी समूह की संख्या देखेंगे, तो ऊपर वाली कार्बन में देखें तो प्रतिस्थापी समूह एक है, इस श्रृंखला में देखें तो इसमें भी प्रतिस्थापी समूह एक है, इसमें देखें तो इसमें भी प्रतिस्थापी समूह एक है। तो इसमें तीन कार्बन
एक प्रतिस्थापी समूह है, इसमें भी तीन कार्बन एक प्रतिस्थापी समूह है, इसमें भी तीन कार्बन और एक प्रतिस्थापी समूह है। अब प्रतिस्थापी समूह भी समान है तो प्रतिस्थापी समूह की स्थिति देखेंगे। ऊपर वाले में प्रतिस्थापी समूह की स्थिति दो नंबर पे, इसमें भी प्रतिस्थापी समूह की स्थिति दो नंबर पे, इसमें भी दो नंबर पे, यानी सारा ही समान आ रहा है इसमें, तो इसमें सारा ही समान आ रहा है तो। और प्रतिस्थापी समूह का फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो इसमें भी मेथाइल है, प्रतिस्थापी समूह में देखा था ना मेथाइल एल्किल में, तो उसको पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें भी मेथाइल है, मेथिल है, और इसमें भी मेथिल है, तो प्रतिस्थापी समूह भी समान है, तो सब कुछ ही समान है, तो कोई भी एक ले लो और उससे नाम कर दो, नामकरण कर दो। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे मूल शब्द, कितने कार्बन की श्रृंखला है, तीन की, तो तीन के लिए आएगा प्रो प्लस, सब में प्राथमिक अनुलग्न क्या, एकल बंध है तो एन, प्लस क्रियात्मक समूह है नहीं, सीनियर क्रियात्मक समूह, प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न वलय है नहीं, ये लो, प्लस द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी समूह है कौन सा, मैथिल ग्रुप, तो मैं ये लिख दू मैथिल, ठीक है। और मैथिल जुड़ा हुआ कितने नंबर पे है, दो नंबर पे, तो ये लो मैंने दो नंबर पे मैथिल जोड़ दिया, दो नंबर पे जुड़ा हुआ है ना प्रतिस्थापी समूह की स्थिति। तो देखो अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात और है, मैं इसका तो नाम लिख देता हूं पूरा, टू मैथिल मैथाइल प्रोपेन, टू मेथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। अब देखो जब अपने पास में नंबर संख्या और शब्द आ जाए तो उसको डेस से अलग करते हैं, संख्या और शब्द को डेस से अलग करते हैं, डेस से, और अगर संख्या और दूसरी भी संख्या ही आ जाए तो उसको कोमा से अलग करते हैं, ठीक। जैसे इसमें दो आया था, दो और मेथिल, दो और मेथिल को अपन ने डेस, और बाकी जितने भी शब्द लिखेंगे उन सारे शब्दों के बीच में कोई भी गैप नहीं देना, ये कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये अपना एक यौगिक है। इस यौगिक में सबसे पहले तो श्रृंखला का चयन करना है, तो देखो इधर इस श्रृंखला का चयन करता हूं तो एक दो तीन, तीन कार्बन की बनती है, इस श्रृंखला का चयन करता हूं तो एक दो तीन चार, ये कितने कार्बन की बनती है, चार कार्बन की, ये कितने की बनती है, तीन कार्बन की, और इसका चयन करता हूं तो ये भी कितने की बनती है, चार कार्बन, एक दो तीन चार। अब देखो अपने पास में दो श्रृंखला हो गई, तो ये तो कम कार्बन की है तो लंबी श्रृंखला तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। अब दो श्रृंखला है, एक ये और एक ये, अब इन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह देखना है, तो इस श्रृंखला में देखो तो प्रतिस्थापी समूह एक है ये रहा, और इस श्रृंखला में देखता हूं तो इसमें भी प्रतिस्थापी समूह एक है ये रहा। चलो प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान आ गई, तो प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान आ गई, तो फिर देखते हैं प्रतिस्थापी समूह की स्थिति, स्थिति देखेंगे तो अगर मैं इस श्रृंखला का नंबरिंग करूं एक दो तीन चार, तो प्रतिस्थापी समूह की संख्या एक, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति इसमें ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, दो नंबर पे, ये लो, और इसमें भी प्रतिस्थापी समूह की संख्या एक और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, अगर नंबरिंग करूं एक दो तीन चार, दो नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी मैथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेम है, दोनों में से कोई सी भी एक लेके नामकरण कर देते हैं इसका। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वाली ले लेता हूं, तो सबसे पहले तो मूल शब्द, मूल शब्द क्या होगा, चार है तो ब्यूट, प्लस प्राथमिक अनुलग्न सारे एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो एन, ये लो एन, प्लस सीनियर क्रियात्मक समूह जीरो है नहीं, प्राथमिक पूर्व लग्न वलय है नहीं, प्लस द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापी समूह है कौन, मैथिल, कितने नंबर पोजीशन पे, दो नंबर पोजीशन पे, तो ये अलग टू मैथिल, टू मैथिल, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टू मैथिल ब्यूटेन, टू मैथिल ब्यूटेन, समझ में आया, तो ये इसका नाम हो गया। अब अगला एग्जांपल ले अपन, अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3 CH3 और ये CH3, ठीक है। अब देखो इसमें श्रृंखला की चयन करना है, कोई भी श्रृंखला ले लो, तीन कार्बन की श्रृंखला बनेगी, ठीक है, तो तीन कार्बन की श्रृंखला बनी, तो ये लो तीन कार्बन की श्रृंखला, कोई भी श्रृंखला ले लो तीन कार्बन की बनेगी, और इसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान आएगी, ठीक है, प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान आएगी, जैसे एक दो तीन, और प्रतिस्थापी समूह कितने हो गए, मैथिल मैथिल दो, कितनी पोजीशन पे, दो दो पे, तो तीन कार्बन की श्रृंखला, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा,
प्राथमिक प्राथमिक अनुलग्न एन, द्वितीयक अनुलग्न जीरो। अब देखो प्राथमिक पूर्व लग्न जीरो वाले है नहीं, और द्वितीयक पूर्व लग्न कौन है, मैथिल है, दो मैथिल जुड़े हैं कितनी पोजीशन पे, दो दो पे, तो मैं इसका लिख दूं दो दो। अब देखो दो जब ये आएंगे तो डाई लगाते हैं, अपन ने नियम में लिखा था, तो ये लो डाई और यहां पर मैथिल, तो इसका नामकरण हो गया टू टू डाई मैथिल प्रोपेन, टू टू डाई मैथिल प्रोपेन। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लें, अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एच टू सी एस थ्री, चलो यही ले लेते हैं। तो छह कार्बन है, तो ये तो सीधा सिंपल सा हो गया, एक दो तीन पांच छह, ठीक है। तो हेक्स प्लस एन एकल बंद है, प्लस जीरो सी निर्क्रियात्मक समूह है नहीं, वलय है नहीं, प्लस वो भी नहीं है, तो नामकरण क्या हो गया, हेक्स एन। ठीक है, अब अगला देखो सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री। ठीक है, अब इसका नामकरण देखो, कोई भी श्रृंखला, अगर या तो मैं ये ले लू, एक तो ये श्रृंखला ले सकता हूं पांच कार्बन है, या ये ले सकता हूं इसमें भी पांच कार्बन है। प्रतिस्थापित समूह की संख्या इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें प्रतिस्थापित समूह कौन है ये, और इसमें प्रतिस्थापित समूह कौन है ये। अब इसमें देखो प्रतिस्थापित समूह की स्थिति देखें, तो इधर से नंबरिंग करूं मैं, एक दो तीन चार पांच, तो इसमें कितने नंबर पे है, दो नंबर पे, और इसमें इधर से नंबरिंग करूं एक दो तीन चार पांच, तो ये भी कितने नंबर पे है, दो नंबर पे। ठीक है, तो सब कुछ समान आ रहा है, मैथिल भी आ रहा है, तो अब देखो मैं इसका डायरेक्ट नाम लिख देता हूं, पांच के लिए मूल शब्द पेंट प्लस एन प्लस जीरो, और ये कितने नंबर पे, दो नंबर पे मैथिल। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या हो गया, टू मैथिल पेंटेन, टू मैथिल पेंटेन, समझ में आया, तो इसका नाम हो गया टू मैथिल पेंटेन। देखो अब एक एग्जांपल वो लेते हैं, ये है अपने पास में सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री और सी एच टू और ये सी एच थ्री। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो सबसे पहले तो श्रृंखला का चयन करना है, तो ये श्रृंखला है पांच कार्बन की, इसके अलावा ये है पांच कार्बन की श्रृंखला, ये कितने की है, चार की, ये चार की, तो ये तो गलत हो गई, तो सबसे पहले तो श्रृंखला अपने पास में यही होगी, इस पे एक प्रतिस्थापन, अब इसका नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करूं मैं इधर से एक दो तीन चार पांच, इधर तीन चार पांच, प्रतिस्थापित समूह कहां पर है, तीन नंबर पे ही है, तो नंबरिंग भी इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं नंबरिंग कर देता हूं इसका इस हिसाब से, तो इसका नाम लिखो पांच कार्बन की, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, पेंट प्लस प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन प्लस द्वितीयक अनुलग्न है नहीं, क्रियात्मक समूह है, प्लस प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होगा, वलय है नहीं, जीरो, क्रियात्मक समूह सॉरी प्रतिस्थापी द्वितीयक पूर्व लग्न प्रतिस्थापी कौन उपस्थित है, मैथिल कितनी नंबर पोजीशन पे, तीन नंबर पे, तो तीन मैथिल, तो इसका नाम हो गया थ्री मैथिल पेंटेन। ठीक है, थ्री मैथिल पेंटेन। अब अगला ले, जैसे अगला ले लेते हैं अपन सी एस थ्री कार्बन सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच टू सी एच थ्री। अब ये देखो इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो लंबी श्रृंखला तो यही है चार कार्बन की, इसके अलावा कोई भी श्रृंखला चार कार्बन की नहीं होगी। अब ये देखो इसका नंबरिंग करें, तो प्रतिस्थापित समूह को क्या न्यूनतम स्थिति मिलनी चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करूं तो एक दो तीन चार,
प्रतिस्थापित समूह कितने नंबर, दो नंबर, दो दो नंबर पे। इधर से नंबरिंग करूं, एक दो तीन चार, तो प्रतिस्थापित समूह कितने कितने नंबर पे, तीन तीन पे। तो नंबरिंग कैसा करना पड़ेगा, न्यूनतम वाली ये। अब मूल शब्द देखो इसका, मूल शब्द क्या होगा, ब्यूट प्लस प्राथमिक अनुलग्न एन प्लस द्वितीय अनुलग्न है नहीं प्लस वलय का प्राथमिक पूर्व लग्न वलय है नहीं प्लस प्रतिस्थापी समूह है कितनी नंबर पोजीशन पे, दो नंबर पोजीशन पे। कितने प्रतिस्थापी समूह है, दो प्रतिस्थापी, तो टू टू डाई मैथिल, ये लो। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, टू टू डाई मैथिल ब्यूटेन, ठीक है, टू टू डाई मैथिल ब्यूटेन। सॉरी मेरे को सीट ठीक आ गई थी, सॉरी। ठीक है, अगला एग्जांपल है अपना, अगला एग्जांपल है अपने पास में CH3 और ये CH3, ठीक है। अपन सब अभी द्विबंध त्रिबंध बन रही है, यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो अपने को श्रृंखला का चयन करना है, तो चार कार्बन की श्रृंखला ले, कोई भी श्रृंखला ले लो, चार कार्बन की होनी चाहिए। तो मैं ये श्रृंखला ले लेता हूँ, ये वाली। तो इसमें कार्बन कितने हैं, चार। अब देखो एक श्रृंखला ये भी पॉसिबल है, ये वाली, इसमें भी कितने हैं, चार है। अब इसके अलावा कोई कोई भी श्रृंखला चार कार्बन की नहीं है, एक ये भी श्रृंखला है, सॉरी ये वाली, ये भी चार कार्बन की है, ठीक है। तो अब देखो चार कार्बन की श्रृंखला ले ली अपन ने, अब इसका नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी की स्थिति पता चलेगी अपने को, एक दो तीन चार, इधर से करें एक दो तीन चार, इधर से प्रतिस्थापी दो तीन नंबर पे और इधर से भी दो तीन नंबर पे, तो समान है। तो किधर से भी नंबरिंग कर दो, तो इसका नामकरण मूल शब्द लिखे, चार कार्बन है तो ब्यूट। ये समान क्यों है, ऐसा क्यों क्लियर है कि किधर से भी कर दे, क्योंकि प्रतिस्थापी समान है, ये मेथिल ग्रुप ही है दोनों जगह प्रतिस्थापी। ब्यूट प्लस प्राथमिक पूर्व अनुलग्न एन प्लस जीरो प्लस जीरो वलय है नहीं प्लस दो मैथिल समूह है, टू थ्री डाई मैथिल, टू थ्री डाई मैथिल। तो इसका नाम क्या हो गया, टू थ्री डाई मैथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CH3, CH क्लोरीन और CH3, ठीक है। अब देखो अपन ने प्रतिस्थापी समूह लिखे थे, तब क्लोरीन के लिए क्या लिखा था, क्लोरो लिखा था ना। अब देखो मेन श्रृंखला ये रही, नंबरिंग करो, नंबरिंग इसका एक दो तीन, इधर से भी एक दो तीन, प्रतिस्थापी दो नंबर पे है तो नाम लिख दो सीधा। तीन कार्बन के लिए प्रोप प्लस एकल बंध उपस्थित है तो एन प्लस सीनियर क्रियात्मक समूह है नहीं प्लस वलय भी नहीं है प्लस प्रतिस्थापी कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरो, कितने नंबर पे उपस्थित है क्लोरीन, दो नंबर पे, तो टू क्लोरो। तो इसका नाम हो गया अपने पास में दो क्लोरो प्रोपेन, टू क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अगला एग्जांपल ले अपन, अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन CH3, CH2, CH2 और Cl, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करें, श्रृंखला का चयन तो ये हो गया, तीन कार्बन की नंबरिंग करो, एक दो तीन, एक नंबरिंग है एक दो तीन। अब यहां पर तो क्या दोनों जगह दो दो नंबर पे उपस्थित था ये, लेकिन यहां पर देखो इस वाली श्रृंखला में तो ये तीन नंबर पे उपस्थित है और इस वाली श्रृंखला में ये एक नंबर पे उपस्थित है, तो न्यूनतम स्थिति वाली लेंगे तो ये श्रृंखला हो गई अपने पास में। तो मूल शब्द लिखो, मूल शब्द प्रोप प्लस एन प्लस जीरो। अब देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, इतना बता दिया, वो फॉर्मूला देखना, उस फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूं, वले है जीरो नहीं और कितने नंबर पे, एक नंबर पे कौन उपस्थित है, क्लोरो। तो इसका नामकरण हो जाएगा वन क्लोरो प्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन। अगला एग्जांपल ले अपन CH3, CH, Chlorine, CH2 और येलो ब्रोमीन। श्रृंखला का चयन करो, श्रृंखला ये हो गई तीन कार्बन की, नंबरिंग करो, मैं इधर से कर दू, एक दो
तीन, इधर से करूं एक दो तीन, तो यहां पर भी कितनी स्थिति पे दो और तीन पर उपस्थित है, यहां पर एक और दो पर उपस्थित है, तो न्यूनतम स्थिति वाला लेंगे तो ये लेंगे नहीं, ये हो गया। तो यहां देखो मूल शब्द, मूल शब्द कौन है, प्रोप है, तो ये लो प्रोप, प्लस प्राथमिक अनुलग्न एन, प्लस द्वितीय अनुलग्न है नहीं, प्लस वलय है नहीं। अब देखो एक नंबर पे कौन उपस्थित है, ब्रोमो, तो इसको क्या करते हैं अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे ब्रोमो लिखेंगे, तो ब्रोमो लिखेंगे तो ये हो गया एक नंबर पे ब्रोमो, तो ये हो गया वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, टू क्लोरो, इसका पूरा नाम क्या हो गया। अब यहां पे देखो अल्फाबेटिकल का मतलब क्या है, ब्रोमो और क्लोरो में से जो पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहां पर आ गया वन ब्रोमो, टू क्लोरो, प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल लें, CH3, CCl, ये Br, ये CH3, तो श्रृंखला का चयन तीन कार्बन की हो गई। नंबरिंग करो, इधर से करें एक दो तीन, इधर से करें एक दो तीन, तो यहां पर प्रतिस्थापित समूह है दो दो, यहां पर भी दो दो, तो किधर से दे दो, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तो मूल शब्द प्रोप प्लस एन प्लस जीरो, और ये वाले भी जीरो, और ये दो नंबर पे ब्रोमो, तो दो ब्रोमो, दो क्लोरो, तो इसका नामकरण हो जाएगा दो ब्रोमो दो क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नामकरण हो गया दो ब्रोमो दो क्लोरो प्रोपेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कोशिश करना प्रैक्टिस करना। अब अगला एग्जांपल, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है अपने पास में CH2 और ये CH2, यहां पे क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, तो श्रृंखला तीन कार्बन की, ये लो नंबरिंग करो एक दो तीन, इधर से नंबरिंग करो एक दो तीन, इधर से। ठीक है, यहां पर भी स्थिति एक नंबर तीन नंबर पे, और यहां पर भी एक तीन पे, तो अपन यहां पर देखो अल्फाबेटिकल क्रम में देंगे, अब स्थिति समान हो गई ना प्रतिस्थापी की, तो फिर अल्फाबेटिकल क्रम में लेंगे, तो अल्फाबेटिकल क्रम में यहां पर कौन आ रहा है एक नंबर पे, क्लोरो यानी सी, और यहां पर कौन आ रहा है ब्रोमो यानी बी, तो एक नंबर पे बी आना चाहिए, तो ये गलत हो गया अपना, इसका नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा। अब मैं सीधा लिख दूं वन ब्रोमो थ्री क्लोरो प्रोपेन, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अगला ले एग्जांपल, ठीक है, तो मेन कार्बन की श्रृंखला तो यही होगी चार कार्बन की, नंबरिंग करो इसकी एक दो तीन चार, एक नंबरिंग इधर से, तो यहां पर आया अपने पास में दो तीन तीन, यहां पर आया दो दो तीन। ठीक है, तो पहले वाला समान है, तो दूसरे वाले पे डिफरेंस करेंगे, दूसरे वाले पे न्यूनतम स्थिति इसको, तो ये अपना हो जाएगा और ये होगा नहीं, तो इसका नाम लिखो, तो चार कार्बन के लिए ब्यूट प्लस एन प्लस सी निष्क्रियात्मक है नहीं, प्लस इधर वाले भी नहीं है, प्लस अब देखो ब्रोमो और क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो दो नंबर पे ब्रोमो, तो टू टू डाई ब्रोमो। ठीक है, डेस थ्री क्लोरो। ठीक है, तो इसका नाम हो गया टू टू, जब मैंने बताया था ना संख्या संख्या आए तो कोमा लगाना है, टू टू और संख्या शब्द आए तो डेस लगाना, डाई ब्रोमो, फिर संख्या शब्द और संख्या आ गई
कितने पे, तीन, फिर संख्या और शब्द आ गया क्लोरो और ब्यूटेन, टू टू डाई ब्रोमो, टू टू डाई ब्रोमो, थ्री क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, यहां ध्यान देना, संख्या संख्या आए तो कॉमा लगाना है, संख्या या शब्द आए या शब्द या संख्या आए तो डेस लगाना है। ठीक है, अब आगे देखो, अगला एग्जांपल है अपना कार्बन कार्बन क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये ब्रोमीन, तो श्रृंखला तो चार कार्बन की, नंबरिंग करो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो इधर से दो दो तीन और इधर से दो तीन तीन। ठीक है, तो अब देखो दो दो सेम है, इधर सेम है, तो ये न्यूनतम स्थिति है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो पहले आएगा, तो इसका नाम लिखे ब्यूट प्लस एन प्लस जीरो प्लस जीरो, अब थ्री ब्रोमो डेस टू टू डाइक्लोरो। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या हो गया, थ्री ब्रोमो डेस टू टू डाइक्लोरो ब्यूटेन, इसका नामकरण हो गया थ्री ब्रोमो टू टू डाइक्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, अब एक एग्जांपल में लेता हूं, तो सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है, ये लो पांच कार्बन की श्रृंखला, एक दो तीन चार पांच, अब नंबरिंग करो इसकी, इधर से करेंगे एक दो तीन, तीन नंबर पे आएगा, इधर से भी करेंगे तो तीन नंबर पे आएगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, नंबरिंग किया इसका एक दो तीन चार पांच, इधर से किया एक दो तीन चार पांच, इधर से भी तीन तीन नंबर पे और इधर से भी तीन तीन, तो सीधा नाम लिख देता हूं थ्री थ्री डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, थ्री थ्री डाई मिथाइल पेंटेन। अब देखो मैं कुछ लिख देता हूं, कुछ शब्द है ना, और अब तो आप कर ही लोगे मेरे को जहां तक उम्मीद है ना। एक दो एग्जांपल और करें या? चलो इसको बोलते हैं, कुछ ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ये है एक, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नामकरण है ये, जनरल नाम है, सामान्य नाम पेंटेन, ये याद रखना है। ये किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपिल। ठीक है, ये किसी कार्बन दूसरी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, और ये है अपना, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल, और ये कार्बन कार्बन एक कार्बन और ये दो कार्बन है यहां पर, और ये किसी से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटिल, इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन। और एक शब्द और होता है आइसो ऑक्टेन, जो मैं भी लिखवा रहा हूं, ये है सी सी सी, ये कार्बन है सी सी है ना, इसकी बाकी की संयोजकता कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, तीन चार पांच छह सात आठ, ये जो है इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। तो ये आपको याद रखें, ये सामान्य नाम है जो आपको याद रखने कहीं पे दिए हुए भी हो सकते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे या लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, सी सी पांच कार्बन, इसका नाम लिख देता हूँ, आप कोशिश करना, थ्री एथिल टू मेथिल हेक्सेन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, एक अगला एग्जांपल है, आप कोशिश करना, मैंने नाम लिख दिया, आप मिला भी लेना कि सही है कि गलत है ये, है ना।
ठीक है, इसका नाम नाम है 4,4-diethyl या इथाइल हेप्टेन, ठीक है इसका नाम। अगला एग्जांपल और लिख देता हूं, कार्बन कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन, ये यहां कार्बन और यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन कार्बन, इसका नाम है अपने पास में 4,4-diethyl-2,6-dimethyl-heptane, ठीक है। तो ये ट्राई करना, ठीक है। एक एग्जांपल और दिख, यहां लिख देता हूं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं, कार्बन कार्बन 6, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन, ये ब्रोमीन, इसका नाम है अपने पास में 5-bromo 2,3-dichloro हेक्सेन, ठीक है। ये मैंने